ओके, वेलकम बैक गाइस। आज की जो डेट है वो है 30 अप्रैल, और टाइम हो रहा है 10:55। आज का ये जो वीडियो होगा ये एक लर्निंग वीडियो होगा जो कि सेटअप के ऊपर होगा। एक ऐसा सेटअप बताने वाला हूँ जो 80-90% प्रोबेबिलिटी से वर्क करता है, और आप उसको हमेशा देखेंगे कि छोटे स्टॉप लॉस में काम होता है उसमें। ओके गाइस, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, अभी मार्केट चल ही रहा है। बट मैं हमेशा देखता हूँ इस सेटअप को, और मैं खुद भी पर्सनली यूज़ करता हूँ, इसीलिए मैं इसको लर्निंग पर्पस के लिए यहाँ पर शेयर करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये जो कैंडल है पर्टिकुलर 9:30 पे जो कैंडल बनना स्टार्ट हुई है, वो वाली कैंडल की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई भी कैंडल देखना है, टाइम फ्रेम हमको 5 मिनट या 15 मिनट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कैंडल देखना है जिसमें विक आई हो, विप सॉ हो, जिसमें ऊपर से सेलिंग आई हो। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर डिसाइड हो जाता है कि यहाँ से ऊपर से सेलर आ रहे हैं, तो यहाँ पर दो ही केस बनते हैं। अगर इसका जो हाई होता है, जैसे कि यहाँ पर 22,704 है, इसका हाई मार्क कर लेंगे, तो जब भी हमको ऐसी कैंडल दिखेगी हम इसका हाई मार्क कर लेंगे। अगर जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसका हाई क्रॉस कर दे रही है या उसके ऊपर हाई के ऊपर क्लोज कर दे रही है, तो यहाँ पर इस जो कैंडल जिसमें विक आई थी, इसके लो के स्टॉप लॉस के साथ 1:2 के टारगेट के लिए यहाँ पर बैठ जाना है। ये फर्स्ट ट्रेड का तरीका हो गया। तो यहाँ पर पॉइंट मेजर कर लेंगे जैसे, तो ये 26 पॉइंट है, तो 25 50 पॉइंट लगभग लगभग हमको चाहिए, तो ये यहाँ पर इस कैंडल में 50 पॉइंट पूरे हो गए। तो यहाँ पर देखा आपने कि अगर आपको विक वाली कैंडल मिलती है तो उसका क्या होता है कि यहाँ पर सेलर्स होते हैं। अब अगर इसका हाई क्रॉस हो रहा है, मतलब ये सारे सेलर जो इस कैंडल में आने की कोशिश कर रहे थे सब स्टॉप लॉस ले लेते हैं। द सेकेंड थिंग इज़ कि अगर मान लो सेकेंड ट्रेड क्या बनता है, अगर मान लो कि ये ऐसी कैंडल बनी और इसका हाई क्रॉस ना होके लो क्रॉस हो गया, इसका लो क्रॉस हो गया, तो यहाँ पर इसी कैंडल के हाई के साथ जिसमें विक क्रिएट हुई है, इस कैंडल के हाई के साथ ट्रेड लेकर के अगेन यहाँ पर बॉटम नीचे साइड में 1:2 ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो ये एक बहुत सिंपल सेटअप है, और ये 5 मिनट 15 मिनट बहुत सारे टाइम फ्रेम में बनता रहता है। तो यहाँ पर इससे हम स्कैल्पिंग करना हो आपको या फिर शॉर्ट ट्रेड करना हो, मार्केट में 3 कैंडल कैप्चर करना भी एक अच्छा मूवमेंट दे देता है आपके पास, अगर आप अच्छी क्वांटिटी से करते हो तो। ये बहुत सिंपल सेटअप है। होप सो ये लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो है। आप इसको अगर इन्वेस्टिंग में भी यूज़ करेंगे तो भी आएगा। मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम में अगर ऐसी कोई कैंडल बन रही हो जिसमें यहाँ पर विप सॉ क्रिएट हुआ हो, और उसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम में कोई कैंडल क्लोज हो जा रही है, तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर इस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आपको बहुत लंबा टारगेट देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ कि यहाँ जो सेलर्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और सब स्टॉप लॉस लेते हैं, और फिर सेलर के एसएल कटते चले जाते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप ट्रेड सीखना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।